टेस्ट में बेस्ट कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ अब टी20 क्रिकेट में भी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। बिग बैश लीग में लगातार 2 शतक जड़ने के बाद भी स्मिथ की तूफानी बल्लेबाजी का सिलसिला जारी है। होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ जारी मुकाबले में स्मिथ ने आक्रामक अंदाज में 22 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक जड़ा। मैच के दौरान जब स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक लीगल गेंद पर 16 रन भी बने जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। स्मिथ 33 गेंदों पर 66 रन बनाकर नाथन एलिस की फुल टॉस गेंद पर LBW आउट हुए। एक गेंद पर 16 रन बनाने की ये घटना पारी के दूसरे ही ओवर की है। जोएल पेरिस नाम के गेंदबाज ने अपने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद नो बॉल डाली जिस पर स्मिथ ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का जड़ दिया। नो बॉल होने की वजह से स्मिथ को फ्री हिट मिली। अगली गेंद लेकर आए पेरिस दिशा से भटक गए और उन्होंने लेग साइड में वाइड गेंद फेंकी। इस गेंद को विकेट कीपर भी नहीं पकड़ पाया और सिडनी सिक्सर्स को तोहफे के रूप में 5 रन और मिले। वाइड गेंद होने की वजह से फ्री हिट जारी रही और अगली गेंद पर स्मिथ ने लेग साइड में एक और चौका मिला। इस तरह पेरिस की एक लीगल गेंद पर सिडनी सिक्सर्स ने 16 रन बटोरे जिसमें स्मिथ के खाते में 10 रन आए। स्टीव स्मिथ ने 66 रनों की अपनी इस पारी में 4 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा। स्मिथ इसी के साथ बिग बैश लीग के मौजूदा सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। स्टीव स्मिथ के 2 शतकों की बात करें तो पहला सैकड़ा उन्होंने एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ लगाया। उस दौरान उन्होंने 56 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली थी जिसमें 5 चौके और 7 छक्के थे। वहीं दूसरा शतक उनके बल्ले से सिडनी थंडर्स के खिलाफ आया। इस दौरान वो 66 गेंदों में 5 चौके और 9 छक्कों की मदद से 125 रनों की पारी खेलने में सफल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 189.39 का था।